नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां रणबीर और प्राची घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों रणबीर इस समय जानता है कि इस घर में हमारा रुकना संभव ही नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो कि घर में रणबीर की मां खुद नहीं चाहती कि प्राची इस घर में रहे, क्योंकि प्राची से वो इतनी ज़्यादा नफरत करती हैं और प्राची से नफरत करने के पीछे भी कई वजह सामने आ रही हैं। क्योंकि प्राची से नफरत इसलिए भी करती हैं क्योंकि आलिया को पसंद करती हैं पल्लवी। रणबीर की मां पल्लवी आलिया को अपनी बहू मानती हैं, और जिस तरीका से रणबीर ने पूरी महफिल में ये बोला था कि मैं जो कि डिवोर्स दे रहा हूँ, जिसके बाद मैं लगातार रिया और रणबीर की काफ़ी बहुत देर झड़प हुई थी और दोनों के बीच में झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था, जिसके बाद में रणबीर ने खुले खुले शब्दों में बोल दिया था कि हाँ, आज मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि रिया ने मुझसे धोखे से शादी की है, क्योंकि मुझे जो कि इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, जिसमें रिया ने बोला था रणबीर से कि अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो मैं अपने हाथ की नसें काट लूँगी। लेकिन दोस्तों रणबीर ने अब ये भी बता दिया है कि इस घर में मैं और मेरा परिवार बहुत कुछ मैटर करते हैं, और मेरा परिवार प्राची के साथ है क्योंकि प्राची मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हैं। जैसे ही सब ने ये सब कुछ सुना है, सबको काफ़ी शौक भी लगा है। वहीं रणबीर के फादर रणबीर की हर एक फैसले में रणबीर का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रणबीर के फादर और रणबीर की दादी जानती हैं कि रणबीर ने आज तक इस घर के लिए कुछ भी बुरी चीज़ नहीं की है। हमेशा से ही अपने अरमानों का घलौटा है रणबीर ने, लेकिन अब रणबीर का समय आ चुका है कि रणबीर सही को सही करेगा और गलत को गलत ही करेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि रणबीर इस समय प्राची के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। साथ ही दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा गाइस कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपया करके कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अब मेरी वीडियो को देखा आपने, उसके लिए दिल से थैंक यू।